कोटला में बेखौफ बदमाश, चाकू दिखाकर युवक से सोने की चेन और पर्स छीन भागे बदमाश। नमस्कार, मैं हूँ शारदा काला, आप देख रहे हैं MP7 News। आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर पहुँचे आप तक। देखिए रतलाम की विशेष खबर। रतलाम के जिला शिक्षा केंद्र के पास बाइक सवार युवकों से चाकू की नोक पर लूट की घटना सामने आई है। नागरवास निवासी 18 वर्षीय सम्यक अपने दोस्तों के साथ कालका माता क्षेत्र में घूमने आया था, जिसके बाद वह जिला शिक्षा केंद्र के DPC कार्यालय के पास गाड़ी खड़ी कर रुके हुए थे। तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी की चाबी निकाल कर दौड़ लगा दी। उन्हें देखने के लिए जब वह जिला शिक्षा केंद्र परिसर के अंदर गए तो वहां कुछ बदमाशों ने चाकू दिखाकर उनसे पर्स और सोने की चेन छीन ली। घटना से डरे युवक ने इसकी शिकायत एक दिन बाद थाने पहुंचकर की है। इसके बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। लूट की यह घटना मंगलवार रात की है, जहां बाइक पर घूमने निकले चार दोस्तों ने DPC कार्यालय के पास लघु शंका के लिए अपनी गाड़ियां रोकी थी। तभी वहां पहुंचे दो बदमाश बाइक में लगी चाबी निकालकर भाग गए। युवकों ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने उन्हें जिला शिक्षा परिसर में पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सम्यक वर्धमान के गले से 15 ग्राम सोने की चेन और पर्स लेकर फरार हो गए। युवक अपने साथ हुई घटना से घबराया हुआ है। युवक ने इसकी जानकारी अगले दिन सुबह परिवार वालों को दी, जिसके बाद स्टेशन और थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू की है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 News।